था, लेकिन सबको ऐश मौज का जिंदगी चाहता है, बस खाओ, बच्चा पैदा करो, मर जाओ, इसके आगे कोई लाइफ है ही नहीं। सब सोचता हम क्यों लड़े, अच्छे से खा पी रहे, हम क्यों लड़े, ऐसे चक्कर में झारखंड चल गए, सब बाहरी के ही राज हो गए। महिला लोग सोच ली है कि हम लोग को शादी करके दूसरे के भरोसे रहना है, कोई सरकारी नौकरी वाला मिलेगा उससे शादी कर लेना है, घर में लिपस्टिक लगाना है। हम यही सोच के निकले कि अब नया झारखंड का निर्माण करेंगे। हमारे माँ बाप कुछ नहीं किया, अगर वो लोग हम लोग के लिए लड़ते तो आज हम लोग को नहीं लड़ना पड़ता। हम लोग आज लड़ रहे हैं क्योंकि आने वाला जो झारखंड है वो बस झारखंडी और मूलवासी के हित में हो। झारखंड किसान है युवा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है युवा। सरकार यहाँ नहीं समझ रही है क्योंकि मूर्ख प्रधान बैठी है हमारी सरकार, अनपढ़ सरकार बैठी है, पूरा ये जो ऊपर का है पूरा खाली है हेमंत सोरेन का, लेके थोड़ी आए हैं, मार दे चाहे जो करे, अब हम लोग हिलने वाले नहीं। हथियार पुलिस लेके आई है, ये लोग को सरकार पैसा देती है, पेमेंट भी मिलता है, सरकार भी मिलता है, सब पैसा खा के बैठी है, इसलिए सबको लाठी चार्ज करके माथा कपार फोड़ दे रहा है। अब हृदय देंगे सब, बाहरी यहाँ बसा हुआ सब झारखंड को लूटने के लिए, किसी के घर से 25 करोड़ निकल रहा है, किसी के घर से 50 करोड़ निकल रहा है, वो सरकार को नहीं दिखता, सरकार उस बात को दबाने का कोशिश करती है क्योंकि सरकार का भी उसमें हाथ है। वो 25 करोड़ बस पूजा सिंगल का नहीं था, उसमें हेमंत सोरेन का भी हाथ था, इसलिए तो सरकार चुप है। ये जो मूलवासी का सरकार बना है ना, मूलवासी के नाम पे सारा खदान सारा ये लूटने का सरकार बना है, मूलवासी के हित पे हेमंत सोरेन नहीं बना है। इतना बड़ा राज्य है उसमें बैरिकेडिंग नहीं लगाया जा रहा है कि बाहरी यहाँ पे फाइट ना करे, वो जो मूलवासी का नहीं है क्योंकि जितने भी बाहरी है वो यहाँ आधार कार्ड वोटर कार्ड बना के बैठे, वो तो 60 में भी वो फाइट करेंगे, तो कौन सा मूलवासी का वो फाइट है। झारखंड को आश्रम बना दी है ये सरकार, नाम की सरकार है मूलवासी की, ये बाहरी की सरकार है, अंदर में बस ये लोग खजाना लूटने के लिए अपना सरकार बनाया, अपना झोली भरने के। बार बार हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, बार बार छात्र अपना पढ़ाई छोड़ के नहीं आ सकते, इसलिए इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कई छात्र नेता जो है जैसे बेबी महतो, देवेंद्रनाथ महतो, बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में यहाँ शिबू सोरेन आवास के पास में सभी देख सकते हैं जितने सारे छात्र हैं सभी यहाँ पे बैठ करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बैठ करके विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, रांची पूरा जाम होगा अगर वो लोग को नहीं छोड़ा जाएगा तो। क्या बार बार वहाँ पे आप कौन नेता को उठा लिया जाता है यहाँ पे सीएम आवास का कार्यक्रम जो रखे थे इसमें उठा लिया? लीडर जो मेन लीडर होते हैं उसको उठा के ताकि सारा भीड़ खत्म हो जाए। बार बार हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, बार बार छात्र अपना पढ़ाई छोड़ के नहीं आ सकते, इसलिए इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, कोई घर नहीं जाएगा अभी यहाँ से। जैसे कि एक शेरनी उभर करके आए थे कोल्हान से बेबी महतो, उनको भी उठा करके ले गया, तो एक महिला को पुलिस के तरह द्वारा बर्बरतापूर्वक बिहेव करके उनको खींचा जाता है, बर्बरतापूर्वक उसको गाड़ी में लोड करके ले जाया जाता है, ये दुखनीय विषय है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत ही यहाँ की घटिया किस्म की सरकार है, और वो जो सरकार है पुलिस को, मतलब ये मूर्ख सरकार से हम लोग कोई उम्मीद, अगर वो एक लड़की है तो महिला पुलिस उसको ले जाए, और वो हथियार लेके यहाँ नहीं आई थी तो उसको उठाने का क्या मतलब है बनता है? इतने यहाँ पुलिस सारे आए, ये लोग हथियार लिए, ये लोग लाठी चार्ज करते हैं, हम लोग तो खाली हाथ है अपने हक से लड़ने के लिए, शांति अपने हक की लड़ाई अपने राज्य में लड़ रहे हैं, अपने घर में ही हम भीख मांग रहे हैं। कितना दिन आंदोलन करेंगे आप लोग? राजभवन जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, हर जगह जाते हैं अपने मांग को लेकर के, लेकिन कहीं सुना नहीं जाता, क्या कहेंगे? वही तो कहीं हम लोग हर बार आंदोलन करते हैं, आंदोलन खत्म किया जाता, इस बार आंदोलन में हेमंत सोरेन को वार्तालाप करना होगा, 60-40 वापस लेना होगा, एकदम नहीं सर तो 60-40 90-10 चलेगा। बार बार आंदोलन करें, बार बार खत्म हो जा रहा, मतलब हम लोग क्या है, छात्र को बस परेशान किया जा रहा, हमारा फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। अगर 60-40 लागू हो जाता है तो क्या यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए? 60-40 लागू हो जाता तो सारे बाहरी राज्य के यहाँ फाइट करेंगे, तो हम लोग के लिए लॉस ही है। हम लोग उसमें फॉर्म भर के, हम लोग का नौकरी नहीं, 2018 में जो वैकेंसी आया था टीचर का उसमें 90 और 95% सब बाहर का आया था, यहाँ अभी हम लोग के लिए बैरिकेडिंग लगाया, लेकिन इतना बड़ा राज्य है उसमें बैरिकेडिंग नहीं लगाया जा रहा है कि बाहरी यहाँ पे फाइट ना करे। वो जो हम लोग मूलवासी का नहीं है, क्योंकि जितने भी बाहरी है वो यहाँ आधार कार्ड वोटर कार्ड बना के बैठे, वो तो 60 में भी वो फाइट करेंगे, तो कौन सा मूलवासी का वो फाइट है? झारखंड को आश्रम बना दी है ये सरकार, नाम की सरकार है मूलवासी की, ये बाहरी की सरकार है, अंदर में बस ये लोग खजाना लूटने के लिए अपना सरकार बनाया, अपना
अपना झोली भरने के लिए। लगातार बार बार वैकेंसी भी आ रहा है, तो ये वैकेंसी किसके लिए, आप लोग उस वैकेंसी का तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? तैयारी करके करेंगे क्या, उसमें हम लोग फाइट कर ही नहीं सकते, सब बाहरी ओपन हो गया पूरा झारखंड बाहरी के लिए, क्या करेंगे तैयारी करके, कोई फायदा नहीं, हम लोग को जॉब नहीं लगने वाला है उस तैयारी में। अभी हाल ही में कुछ दिनों जो रांची के डीसी थे पूर्व डीसी छवि रंजन, उनका आवास में कई आवास में छापा पड़ा, करोड़ों रुपए का संपत्ति मिलता है, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा में, पूजा सिंघल मैडम एग्जाम्पल है, क्या कहेंगे करप्शन में? उन लोग को कुछ नहीं होता, उन लोग के लिए कोई 144 नहीं लगता, लेकिन आप लोग अपना हक अधिकार मांगने के लिए आते तो आपके लिए 144 लग जाता। बात है, हम लोग अपने घर में अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और जितना बाहरी यहाँ बसा हुआ है सब झारखंड को लूटने के लिए, किसी के घर से 25 करोड़ निकल रहा है, किसी के घर से 50 करोड़ निकल रहा है, वो सरकार को नहीं दिखता, सरकार उस बात को दबाने का कोशिश करती है, क्योंकि सरकार का भी उसमें हाथ है, वो 25 करोड़ बस पूजा सिंघल का नहीं था, उसमें हेमंत सोरेन का भी हाथ था, इसलिए तो सरकार चुप है। ये जो मूलवासी का सरकार बना है ना, मूलवासी के नाम पे सारा खदान सारा ये लूटने का सरकार बना है, मूलवासी के हित पे हेमंत सोरेन नहीं बना है। हम युवा को बोलती है अगर पैसा ही कमाना है तो मछली पालो, बकरी पालो, आप पालो, अब कोई भी उपचुनाव होता है विधायक की पत्नी विधायक बनेगी, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, एक पढ़ा लिखा अगर राज्य में आएगा तो नया सोच लेके आएगा, ये लोग मूर्ख कुछ नहीं करने वाला है, 10-12 पास झारखंड में बैठ गया है, झारखंड किसान है युवा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है युवा, सरकार यहाँ नहीं समझ रही है, क्योंकि मूर्ख प्रधान बैठी है हमारी सरकार, अनपढ़ सरकार बैठी है, पूरा ये जो ऊपर का है पूरा खाली है हेमंत सोरेन का। आपके आप जिस विचारधारा से प्रभावित है जयराम महतो जैसे नेता के विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन जयराम महतो जैसे नेता इस आंदोलन में दिखे नहीं। सबको चाहता है कि भगत सिंह बने पर मेरा बेटा ना बने, अगर जयराम महतो घर से निकला जो अपने घर छोड़ दिया, लेकिन सबको ऐस मौज का जिंदगी चाहता है, बस खाओ बच्चा पैदा करो मर जाओ, इसके आगे कोई लाइफ है ही नहीं, सब सोचता हम क्यों लड़े, अच्छे से खा पी रहे हम क्यों लड़े, ए चक्कर में झारखंड चल गए, सब बाहरी के ही राज हो गए हो। नहीं, हमारे सवाल है लो कि जयराम महतो आज के आंदोलन में नजर नहीं लो, तो जयराम महतो की सभा है तो सब जयराम, एक जयराम महतो कितना, सब घर से जयराम महतो निकले हो तो वो कहाँ कहाँ देखते हो, अगर वहाँ सभा है एक जयराम महतो निकलने से झारखंड नहीं बदलने वाला, हर घर से जयराम महतो निकलना निकल लेगा तभी झारखंड बदलेगा। तो फाइनल फाइनल फाइनली तो आगे के प्रोग्राम की हो, जैसे सीएम कल आप लोग का मसाल जुलूस है, तो आप लोग आगे का कार्यक्रम कैसे करेंगे, आपके नेता तो है नहीं। जब तक हमारे छात्र साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, उसके बाद छोड़ने के बाद हम लोग आगे का रणनीति करेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, किसी के पास भी उतना टाइम नहीं, और हम लोग का फ्यूचर बर्बाद होते जा रहा है, सरकार वैकेंसी निकाले ताकि हम लोग तैयारी कर सके आगे, और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग बार बार, हम लोग भी शांतिपूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं। इतने सारे जनसंख्या में इतने सारे आंदोलनकारी छात्र, इसके बीच में आप लोग दो ही चार महिला लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिला लोग सोच ली है कि हम लोग को शादी करके दूसरे के भरोसे रहना है, कोई सरकारी नौकरी वाला मिलेगा उससे शादी कर लेना है, घर में लिपस्टिक लगाना है, हम यही सोच के निकले कि अब नया झारखंड का निर्माण करेंगे, हमारा माँ बाप कुछ नहीं किया, अगर वो लोग हम लोग के लिए लड़ते तो आज हम लोग को नहीं लड़ना पड़ता, हम लोग आज लड़ रहे हैं क्योंकि आने वाला जो झारखंड हो वो बस झारखंडी और मूलवासी के हित में हो, आदर के हित में ना हो। तो क्या संदेश देना चाहेंगे झारखंड के तमाम छात्रों को? झारखंड के तमाम छात्रों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बस पढ़ लिख के क्या है, हमारे हित में नियोजन नीति है ही नहीं, तो आप पढ़ लिख के करेंगे क्या? तो सब छात्रों से यही कहते हैं कि जो भी आंदोलन हो आप उसमें शामिल हो, अपने हक की लड़ाई लड़े, पढ़ के कोई फायदा ना हो, नौकरी होवे वाला ना हो, सब बारी घुसा तुम ओपन कर दे यहाँ के सरकार कि 85 के भी यहाँ कोई खतियान नीति नहीं चलता, जेकर पास प्रमाण पत्र हो झारखंडी के वह मूल निवासी, तो सभी तो बाहरी बना के बैठल हो, हमको ना किसी का हक चाहिए ना अपना हक किसी को देना है, जो हमारा हक है हम उसी में खाएंगे, हमको 90-10 का हक चाहिए झारखंड में 90-10, इस सरकार बोका को ये सोचना चाहिए कि जो भी राज्य है वहाँ पे वहाँ का भाषा वहाँ का संस्कृति उसमें ऐड रहता है, और यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा भी हटा दिया गया है, ये कौन सा मतलब है, आप कहीं भी फॉर्म भरने जाइए उड़ीसा के निवासी हो उड़िया होना चाहिए, महाराष्ट्र के निवासी हो, झारखंड में सबको आए जो सबको घरवा जाके घुस जो, बार बार डराया जा आयरन बजा करके वार्निंग दिया जा रहा है, आप लोग हथियार लेके थोड़ी आए हैं, मार दे चाहे जो करे, अब हम लोग हिलने वाले नहीं, हथियार पुलिस लेके आई है, ये लोग को सरकार पैसा देती है, पेमेंट भी मिलता है सरकार भी मिलता है, सब पैसा खा के बैठे हैं, इसलिए सबको लाठी चार्ज करके माथा कपार फोड़ दे रहा है, अब रिदाइए देंगे सबको। क्या लगता है 2024 में सिस्टम चेंज होगा? पूरा चेंज होगा, क्योंकि अगर 2024 में सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा, नाम का झारखंड रह जाएगा, झारखंडी के हित में कुछ नहीं होने वाला है।